उनकी चरण है, चरण है। लेकिन ये जो राधा रमन ठाकुर आप लोगों ने दर्शन किया, कहते ये ठाकुर जी को जो दर्शन कर लेता है उनको गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ये तीनों ठाकुर का दर्शन का फल इनकी दर्शन से हो जाता है। हरि बोल, जय हो। इसलिए ये इतने महत्वपूर्ण ठाकुर है। इसलिए कृष्ण कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, मैं वृंदावन छोड़कर एक कदम भी कहीं ब्रज के बाहर में नहीं जाता हूँ। इसलिए ठाकुर जी बहाना बना करके ठाकुर जी को छुपा दिए, लेकिन ठाकुर जी यहाँ से राधा रमन यहाँ से गए नहीं और सारे ठाकुर यहाँ छोड़ करके जयपुर चले गए ठाकुर जी। इसलिए इनको दर्शन करने पर सारे ठाकुर का दर्शन करने का आपको फल मिलता है। आप लोग बड़े भाग्यवान हो जो कि राधा रमन को और मंदिर मंदिर में जा करके इतने सारे ठाकुर को दर्शन करते हो। देखो यहाँ पर जो ठाकुर देख लो ठीक से, इस तरफ में जो ठाकुर है श्री चैतन्य महाप्रभु, इस तरफ में कहते ये किसका विग्रह है, कहते इनको श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने इनको प्रकट किया। अभी प्रभु जी जिनकी कथा आपको सुना रहे थे ये नरोत्तम दास ठाकुर का विग्रह देखो इस साइड में, और राधा बीच में देखो ठाकुर जी, इनका नाम राधा विनोद, क्या नाम है राधा विनोद। अब बताओ तो इनको किसने प्रकट किया था, इनको श्री, सब कथा को नोट करना, ऐसे नहीं कथा सुनो और भूल जाओ, सब एक एक कॉपी पेन लेकर के जाना, सारी कथा सुनना और जब घर में जाओ ना आप बोलेंगे इतना पैसा करके करके आठ दस दिन गए क्या लाए हो, सबको ऐसे रोज रोज एक एक कन्या की भगवान की एक एक स्टोरी सुनाना, ठाकुर जी की प्यारी प्यारी कथा सुनना। देखो जब कथा सुनाओगे ना तब हृदय में भक्ति की भावना आएगी, दूसरी जब कथा सुनाओगे ठीक है, एक जो लिखे बड़े थोड़ी बहुत एक कॉपी पेन साथ में रखना, चौरासी दर्शन करोगे थोड़ी थोड़ी तो हिंट थोड़ी थोड़ी लिख के रखना। बीच में ये लोकनाथ दास गोस्वामी की ये मंजुलाली सखी राधा रानी की सखी है, आप लोगों ने श्रवण किया जब उन्होंने पानी में डुबकी लगाए ना ये ठाकुर जी इनके हाथ में अपने आप ये ठाकुर जी आए, इसलिए इनका नाम राधा विनोद। जिनकी कथा सुना रहे थे ठाकुर जी भक्तों से जो रोटी मांग रहे हैं सब्जी मांग रहे हैं बोले बिस्तर बना दो प्यार दवा दो हवा करो, ठाकुर इनको साथ में बात करते थे। इसलिए हम कहते हैं ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं और द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं, कोई कहते हैं ठाकुर जी नाचते नहीं ब्रज गोपिया जैसे तो नचाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं मैया यशोदा जैसे तो सुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं खाते नहीं और सबरी जैसे तो खिलाते नहीं, ठाकुर जी स्वयं बात करते थे हमें मिठाई दे दो हमें है मेरे को चाटनी बना करके दो सब्जी बनी, ठाकुर साक्षात बात करते थे। और इस तरफ में जो ठाकुर है ये राधा गोविंद देव है, राधा गोविंद देव ये कहते श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु का विग्रह, हम लोग किसी मंदिर में जाकर इनकी कथा सुनेंगे। और जो नीचे देखोगे सबसे छोटे ठाकुर देखोगे इनका नाम है राधा गोकुलानंद है, कहते ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की ये सभी तो विग्रह है, इनकी बड़ी कथा ये ठाकुर जी जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर राधा कुंड में स्नान किए ये ठाकुर जी अपने आप इनको हाथ में आए थे और ठाकुर जी बोले मेरे को तुम साथ में ले चलो, बोले तुमको ले नहीं सकता हूँ, बोले क्यों, बोले तेरे को खिलाना पड़ेगा सुलाना पड़ेगा, मैं तो भजन भजन में मस्त रहता हूँ घंटे घंटे तो प्रभु की भजन में जब डूबता हूँ महीना महीना, तुमको कहाँ सेवा पूजा करेंगे, बोले कोई चिंता मत करो मैं अपना सेवा पूजा मैं खुद व्यवस्था कर दूंगा, इसलिए केवल मेरे को तुम साथ में ले चलो। फिर उन्होंने ठाकुर जी को ले करके इसलिए इनका नाम से ही ये मंदिर का नाम राधा गोकुलानंद। उसको पास में एक दुर्लभ वस्तु है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ये राजा के बेटे थे राजा की, इनकी जो बारिश इनकी कहते इंद्र तुल्य ऐश्वर्य जिनके घर में अप्सर जैसे इनकी पत्नी थी, लेकिन महाप्रभु का प्रेम में ये जब दिवाली बने महाप्रभु के प्रेम में जब डूबे सब कुछ छोड़ छाड़ करके उन्हें वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर के राधा कुंड में जब वो बैठ करके भजन करते थे राधा रानी स्वयं जिनके सर के ऊपर में अपना चुंदरी को छाया करके राधा रानी खड़ी रहती थी ये संतों को सर के ऊपर में है, इतने बड़े संत हुए बहुत बड़े संत हुए। इसलिए इनको महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी से वृंदावन आए महाप्रभु उनको दो चीज दिया था, क्या दिया था क्या क्या दिया था कौन बोलेगा, एक गुंजा माला और एक गिरिराज शिला दिया था, बोले रघुनाथ ये जो गिरिराज शिला नहीं ये कृष्ण स्वयं है, ये गुंजा माला नहीं ये कौन है, ये स्वयं श्री राधा रानी
और इनको ये अपना आंखों का आंसुओं से इनके स्नान कराया करते थे, कभी हृदय में धारण करते थे, इसलिए ये नीचे रखा हुआ है। दो गिरिराज शिला और श्री गुंजामाला, इसलिए एक मंदिर में पांच पांच संतों का सेवित विग्रह यहाँ पर रखा हुआ है। हैं साधारण रूप में देखेगा कि यह टूटा फूटा, लेकिन ये मंदिर का बड़ा महत्व है। इसलिए जब धाम में जाओ क्या करो, आंखों से नहीं देखना, कैसे देखना है, कानों से देखो, हर कथा भी याद करके रखना, याद करके, ठीक है ना, याद कर रखना। और घर में जाओ तो क्या करना, कथा सुनाना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, हिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि। चलो हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, गोपीनाथ नहीं गए ना, ठीक, चलो सब कीर्तन करते करते साथ में चलना, और हम लोग अभी राधा गोपीनाथ मंदिर में दर्शन के लिए चलेंगे।